हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं न्यू मकान की स्टार्टिंग से बिल्कुल नए सिरे से फिटिंग। ये हमारा मकान है, ये टू स्टोरी बनेगा, इसमें एक ऊपर वॉशरूम रहेगा बस। एक हमने यहाँ से टॉप फ्लोर का और बारिश का जो पाइप होता है वो बारिश का पाइप उतरा है, इसकी हम जरी मारेंगे आगे से। इधर हम मोटर रखेंगे, ये मैंने निशान लगाया हुआ है ये करके, इसमें से 4 इंची ईंट निकल जाएगी। ये 9 इंची ईंट है, 9 इंची की दीवार है, इसमें से 4 इंची निकल गया, 4 इंची मोटर अंदर हो जाएगी ताकि इसमें रखी जाए और गेट के पीछे रह जाएगी, छुप जाएगी। इसमें से हम ये दो वाल होएगी, इस पर 2 टैप्स देंगे। इधर से हमने कटर लगा दिया है, ये इधर से, यहाँ से हमारी मेन लाइन। ये सारी फिटिंग हम अंडर वाल करेंगे वहाँ से लेते हुए। एक हमारा वॉशरूम पीछे है, उससे पहले हम आते हैं आगे वाले पे जो मैंने अभी दिखाया था। एक ये जैसे हमारे एंट्रेंस हैं, यहाँ से बंदा अंदर आया और हमने यहाँ दिया हुआ है 3 फुट का वॉश बेसिन। ये जैसे मिस्त्री ने दीवार गलत कर दी थी, इसमें पेमाइश करके हमने को ठीक करवाया है कि इसमें क्या था, बहुत कम जगह पड़ गई थी हमारी। इसके बाद हमने ये किया, अब मैं आपको पेमाइश करके बताता हूँ उनको। एक लग्जरी वैनिटी बनाने के लिए हमको 3 फुट 11 इंची की जगह दी हुई है, जो आर्किटेक्ट ने दी हुई है। तकरीबन हमको लग्जरी वॉश बेसिन के लिए हमको 40 इंची की भी जगह बहुत होती है, और इसमें यहाँ मीटर आ जाएगा, यहाँ से हमारी फिटिंग जाएगी, सारी अंडर वॉल फिटिंग रहेगी। ये हमारा बिल्कुल एक लग्जरी वॉश बेसिन बन जाएगा, वैनिटी। यहाँ अपना मिरर वगैरह आ जाएगा इसके अंदर, और इसकी दीवार ठीक होने के बाद जैसे दोस्तों इसने आर्किटेक्ट ने यहाँ पे दिया हुआ है नहाने के लिए शावर एरिया, और सीट यहाँ पे दी हुई है इस डायरेक्शन में, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि सीट हमारी यहाँ आ जाए इस दीवार पे, ताकि हम एंट्रेंस करें और सारा बाथरूम सूखा मिले, जो आजकल के ट्रेंडिंग के हिसाब से होता है। और उधर कोने में हमारा वॉशिंग चला जाए इधर इस दीवार पे, और इससे पूरा बाथरूम जो हमारा है, पूरा का पूरा बाथरूम खुला रहेगा बिल्कुल, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बाथरूम 1 फुट की हाइट और ऊपर जाएगी, और पूरे बाथरूम को हमने पूरा करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी पेमाइश होनी चाहिए। इतनी तो हमारी शीट आ जाएगी, उसके बाद हमारे पास सावर एरिया बसता है। ये सावर एरिया है 3.5 फुट 42 इंच, लेकिन ये क्या है, वॉशरूम बहुत छोटा है। वैसे तो ठीक है, अगर हम लंबाई में बाथरूम लेते हैं तो उसके हिसाब से बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन ये लंबाई में नहीं है, ये थोड़ा चकोर में बाथरूम है, इसलिए इसमें 1 फुट जगह और ऐड हो जाएगी तो काफ़ी अच्छा बाथरूम रहेगा, इसमें नकद नहीं रहेगी। इसमें हमने इसमें कोई कटिंग नहीं की, इसलिए नहीं की क्योंकि इसकी हमने इसको थोड़ा बड़ा करना है 1 फुट, और यहाँ से हमारे पाइपलाइन जाएगी, यहाँ से सारी की सारी पाइपलाइन नीचे से ऊपर तक टॉप फ्लोर पे जाएंगी, जिसमें कोई भी 90 डिग्री का बेंड नहीं रहेगा, वो चाहे सीवर की हो या वेस्ट वाटर की हो या टंकी पे फ्रेश वाटर जाना हो या उसका नॉर्मल वाटर आना हो, सब यहीं से जाएंगे, और यहाँ से सारे वॉल टू वॉल रहेंगे सब। आर्किटेक्ट ने ये क्या है, यहाँ पे एक मंदिर दिया हुआ है, मंदिर देखे उसके पीछे ही बर्तन वॉश का दे दिया है, जिसको सिंक बोलते हैं। मैंने इसकी कटिंग भी कर दी थी, लेकिन मैंने इनको सजेस्ट किया है कि इनका सिंक यहाँ आना चाहिए, जैसे यहाँ गैस दी हुई है और यहाँ सिंक दिया हुआ है, लेकिन मैंने इनको सजेस्ट किया कि यहाँ पे सिंक लेंगे, और इन्होंने मेरी बात का अलाउ किया है, इसलिए हम सिंक के जरिए यहाँ काटेंगे, वहाँ से कैंसिल कर गए। और एक पाइप हमने किचन का इसी कोने से पहले डायमेंशन दे के ये जगह हमने छोड़ दी थी कि कल को ऊपर को किचन बनेगा तो ये काम आ जाएगा वहीं की वहीं, ऊपर अभी बना नहीं रहे किचन, यहाँ पे सिंक आएगा हमारा। उसके बाद सारी वॉल टू वॉल जाके ये हमारी कटिंग हुई है, यहाँ से कटिंग हो के
ये स्टोर है, यहाँ जाएगा, यहाँ से हम जी मार के सारा पाइप अंदर से लेंगे, सारा वॉल टू वॉल। इसमें क्या करा आर्किटेक्ट ने, छोटी सी मिस्टेक रहेगी बस, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या करा आर्किटेक्ट ने। शीट यहाँ दी हुई है, जैसे शीट को हमको चाहिए हुआ है 36 इंची पूरी आराम से, उसके बाद 2.5 फुट से ये हुआ है वॉश बेसिन के लिए। ये शावर एरिया हमारा 2.5-3 फुट बसता है, जिसे बहुत छोटा रह गया। अगर वॉशरूम को, ड्रेसिंग में या स्टोर को छोटा कर लेता 6-6 इंची करने के बाद, तो तीनों पार्टीशन हमारे यहीं पे आ जाते हैं और सबसे बढ़िया रहता है हमारा ये वॉश बेसिन, लग्जरी वॉशरूम बन जाता हमारा। अब इसने जैसे डायमेंशन दी है वैसा ही करेंगे, क्योंकि जिसको बढ़ा तो सकते नहीं, काफ़ी वर्क बढ़ जाएगा इनका। ये वहाँ पे ये 1-piece seat लगेगी, शावर एरिया इधर रहेगा, जिसके हमने जरिए काट दिया है। ये है यहाँ टैब रहेगी, ये हॉट वाटर का, ये नॉर्मल, यहाँ फ्रेश वाटर, और यहाँ शावर आ जाएगा। फिर यहाँ से हम 2 पाइप यहाँ पे एक्स्ट्रा चढ़ा देंगे, कल को वॉशरूम बनाना है तो उसमें काम आ जाएंगे, एक सोल पाइप के लिए और एक वेस्ट वाटर के लिए। और यहीं से हमने लेके यहाँ वॉश स्टेशन दिया हुआ है, यहाँ वॉश स्टेशन हमने दिया है, ये देखो। अगर दरवाजे से पेमाइश करके कि दरवाज़ा कितना है, तो ये दरवाजे का निशान है। उसके बाद ये हमारी 32 इंची की वैनिटी बना दी हमने, यहाँ हमारी टैप रहेगी और यहाँ डाइवेटर लग के पत्थर का कवर्ड बन जाएगा और वैनिटी बहुत अच्छी बन जाएगी। हम वैनिटी को छोटे हिसाब से बनाएंगे, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आने जाने में भी नहीं अटेगी। हम सजेस्ट करेंगे इनको बनाना कैसे, ताकि ये अच्छा भी लगे और बीच में भी ना आए। इसके बाद हमने इस वॉशरूम का जो है गीजर दे दिया बाहर, इसमें गैस गीजर लगे, बिजली गीजर लगे, कोई भी लगे, क्योंकि यहाँ जाल का एरिया है, पूरा जाल का एरिया है, वेंटिलेशन अच्छे से आती जाती है, सफोकेशन कुछ नहीं होगा। और 2 यहाँ टैप दे दिए हैं वॉशिंग के लिए, गीजरी को हम नीचे उतार के, ये हमारे सबमर्सिबल लगा हुआ है पीछे की, ये हमारा सबमर्सिबल पीछे। यहीं से हम इसको चैम्बर बना के यहीं ले आएंगे, यहाँ से सारे फिटिंग हमारी अंडर वॉल चली जाएगी, सारी की सारी यहाँ से टंकी तक सब अंडर वॉल जाएगा। जैसे आजकल क्या होता है कि 3 फुटियाँ दी जाती थी पहले के टाइम पे, जैसे एक ये दे दी, एक ये और एक ये, इसमें जैसे हॉट वाटर, ये नॉर्मल, ये फ्रेश वाटर हो गया और ये सीधा शावर के लिए चला गया। इससे पहले क्या होता था, इस हिसाब से होता था कि इसमें गर्म पानी भी, ताज़ा पानी भी, सभी जाके तीनों आते थे इसमें। लेकिन उसमें क्या होता था, यहाँ कंसील लगते थे 3, उसके बाद इसका सर्कल बनता था, उसके बाद जो सा पानी चलाना चाहे वो आ जाता था, मिक्स हो जाता। लेकिन दोस्तों आजकल टेक्निकल के हिसाब से क्या, एक मशीनरी का पार्ट आया जिसको कहते हैं डाइवर्टर, तो दोस्तों आप भी वही लगाएं, उसमें क्या होता है कुछ भी दिक्कत नहीं होती। उसका एक फेस आता है, जैसे टैप का नॉर्मल आता है, कोई फेस उसमें डल जाता है, कार्ट्रेज बोलते हैं उसको, वो लग जाती है, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती, 10-12 साल की गारंटी कंपनी से ही मिलती है, और वो ही लग जाएगा, सभी पानी मिक्स हो जाएंगे। हम 2-way लगाते हैं तकरीबन, उसमें क्या होता है 2-way में सबमर्सिबल में कई बार मिट्टी आ जाती है, तो 2-way हमको दिक्कत नहीं करता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अगर 2-way लग जाएगा, फ्रेश वाटर अलग से रहेगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं आती, मिट्टी नहीं आती, कुछ नहीं आती। टंकी को अपना क्लीन रखें, टंकी को खास ध्यान रखें कि 1 साल में साफ करवाते रहें, जिससे कोई भी किसी भी टाइम में कोई भी दिक्कत नहीं आती। आपको भी अगर फिटिंग करवानी है तो आगे से इधर इधर लगा के चले हम, 1-piece 1-piece सबसे बढ़िया रहती है। अपने शहर के अंदर क्या है, हार्डनेस की वजह से ये वॉल हैंगिंग दीवार वाली लगवा तो लेते हैं, लेकिन उसमें मेंटेनेंस ज़्यादा होती है, इसलिए 1-piece सजेस्ट करूँगा। 0 maintenance रहेगी, डाइवेटर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वॉश बेसिन का भी डाइवेटर लगाओ, अगर उसमें वॉल मिक्सर लगवाते हो आप, जो सेंटर हॉल में आता है या काउंटर पे ही मिक्सर आता है टैप का, वॉश बेसिन का, तो क्या है वो हिलने लग जाता है, थोड़े दिन बाद ही हो जाता है, लूज होता है। उसमें क्या होता है, एक नट होता है, बस उसमें क्या है, एक नट आता है, एक ही नट पे वो टाइट होता है, टाइट होने के बाद वो हिलता है,
वो क्या है, थोड़े दिन बाद मेंटेनेंस मांग लेता है और वो आपको दिक्कत रहेगी उसमें मेंटेनेंस करवाने में। अगर आप दीवार में लगवा लेते हैं, 100 खर्चा उसमें आता है, जो वाशिंग मशीन में डाइवेटर लगता है और 100 उसमें क्या होता है, अभी डाइवेटर में लगते हैं पैसे, उसके बाद उसमें बाद में लगते हैं, सभी टूटे जो साथ आती है, इसमें पता भी नहीं लगता कि क्या हुआ। इसमें मेंटेनेंस भी जीरो रहेगी, ना ये हिलेगा ना कभी कुछ, और अच्छा भी लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं आपको जैसे जैसे आगे काम करूँगा मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे मकान में फिटिंग करवानी चाहिए और कैसे नहीं करवानी चाहिए। अभी मैंने सिर्फ अंदर का दिखाया, वाल वाल से फिटिंग करवाओ, कोई भी ग्राउंड फ्लोर से नहीं करवानी चाहिए। मैं आपको सारा दिखाऊंगा इस मकान में कि कैसे कैसे फिटिंग करवानी चाहिए और कैसे नहीं करवानी चाहिए। जैसे क्या होता है, हम स्लेब डलवाएंगे, स्लेब हमारा यहाँ तक रहेगा, पहले 24 इंची डलता था, आजकल के हिसाब से 26 इंची डलता है, उसके हिसाब से सिंक होता हमारा 4 फुट का, ये होता 45 इंची का, 46 इंची का सिंक आता। अब हमारे पास काफ़ी जगह बच गई है, इसके बाद हम क्या करेंगे, 4 इंची यहाँ से छोड़ देंगे, यहाँ से छोड़ने के बाद हम देंगे 23 इंची, ये रहा 23 का आधा कितना होता है, 11.5, 11.5 कर लेंगे, ऐसे ही हम फिर 23 के लगाएंगे, फिर इसको हम 11.5 कर देंगे। अब हम 23 इसका 6 इधर, इसमें हमारा मिक्सर लग जाएगा, ये हमारी जरी हो जाएगी। ये मैंने सेंटर मिक्सर बनाया है जो कि सिंक में बीच में रहता है। और इसके बाद इधर जो 11 इंच के निशान लगा था, वहाँ एलुमिनियम प्रेस वाटर, इसके बाद जो ये दूसरा निशान लगाया है इसको हम ले लेंगे सीधा ऊपर, इन दोनों को, ये हमारा है ओ दिखाई है नक्शा, ओ जो कटाड़ा है, हमारे गीजर का पॉइंट यहाँ तक आएगा, मतलब हमारी कैप से 56 इंच के ऊपर आए गीजर का पॉइंट, ताकि फिटिंग में कहीं भी ना आ जाए।